अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारा चैप्टर वन आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, कंप्लीट हो गया है। अब हम उनके क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। ये हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम सेवरल रिपीटेड फिनोमेना ऑकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। सो हमने नेचर से बताने हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन ऑब्वियसली, अगर हम कुछ को नाम लें तो उसमें सबसे पहले तो सन हो गया, मून हो गया, या रोटेशन ऑफ अर्थ हो गई। रोटेशन ऑफ अर्थ हमारे पास दो तरह की होती है, एक उसके एक्सिस के साथ होती है और एक हमारे पास होती है सन के इर्द गिर्द। तो कुछ तो रेवोल्यूशंस ऐसी हैं जो कि नेचुरल हैं और हमारे लिए इजीली एक्सप्लेनेबल हैं। इसी तरह ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, कोई भी पेंडुलम है, आई होप यू गाइस आर फैमिलियर विद द पेंडुलम, कि उसके एंड पे एक बॉब होगी और वो जो रिवॉल्व कर रहा होगा, जिसका हमने टाइम पीरियड भी अपने एक एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया है प्रीवियस। सिमिलरली वेदर चेंजेस ऑल्सो टेल अबाउट द टाइम। तो हमने वो चीज़ें बतानी जो कि हमें टाइम के बारे में बताती हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मून सन की बात करूं, तो सन से हमें मंथ्स और वो 365 की जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं वो पता चलता है। इसी तरह सन का सनराइज और सनसेट, ये दोनों चीज़ें भी हमें टाइम की इंफॉर्मेशन देती हैं। सिमिलरली विद द मून, ये भी हमें टाइम की इंफॉर्मेशन देते हैं। वेदर इज़ ऑल्सो गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ अ टाइम। If there is a sun, it means that we have a daytime. Similarly, the other way, rotation of a earth about its axis means कि दिन की एक अर्थ की उसके अपने इर्द गिर्द की जो है रोटेशन है वो हमें दिन और रात की 24 आवर्स के टाइम पीरियड को बताती है। और अगर उसी अर्थ की अगर हम रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द ले लें, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास सन है, तो इसके इर्द गिर्द जो रेवोल्यूशन होगी वो हमें मंथ्स और ईयरली टाइम की इंफॉर्मेशन देती है। तो ये सारे चीज़ें हैं हमें, इसी तरह ऑसिलेशन ऑफ अ टाइम पेंडुलम, मतलब से भी हम टाइम को कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जहाँ से हमें रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है, गिव ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पेंडुलम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर नहीं कर सकते। हमने लास्ट टाइम भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, टी इज़ इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं कि टाइम पीरियड जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, और इसी तरह वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √g के। ठीक है, अब हमें पता है कि जी की वैल्यू वेरी करती है डिफरेंट प्लेसेस पे, राइट। तो अगर हमारे पास लेट सपोज हम एक टाइम पीरियड निकाल रहे हैं किसी एक पेंडुलम का जिसकी लेंथ सेम है लेकिन जी वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास टाइम जो पीरियड है वो भी डिफरेंट ही आएगा डिफरेंट प्लेसेस का। तो हम उसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरिंग टाइम नहीं, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द टाइम हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास एक और फैक्टर है फ्रिक्शन का। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम पीरियड वेरी करेगा। एक और फैक्टर है टेम्परेचर का, उसमें भी ये कि अगर हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो लेंथ जो है पेंडुलम की वो भी वेरी कर सकती है। अगर वेरी लेंथ करेगी तो ऑब्वियसली हमारे साथ साथ लेंथ के साथ साथ टाइम पीरियड भी वेरी करेगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूज़फुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। हमारे पास वेट को किसी एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम 2 यूनिट्स यूज़ करते हैं मोस्टली। बोथ ऑफ देम आर, 2 of them आर किलोग्राम्स एंड द मोल्स। अब वाई वी यूज़ दीज 2, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि किलोग्राम्स हमारे पास उस टाइम यूज़ होता है जहाँ पे हम लोग
एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास को डिस्कस करते हैं, उसके माइक्रोस्कोपिक एटम्स को डिस्कस नहीं करते। किलोग्राम्स का यूज़ ओनली तब है जब हम किसी अमाउंट ऑफ मास को मेजर करते हैं, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द माइक्रोस्कोपिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर हैं। लेकिन अगर हम मोल्स की बात करें तो मोल के केस में हमें डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को की इंफॉर्मेशन हमें मोल से पता चलती है, ठीक है। और वो कैसे पता चलती है कि कोई भी फिक्स वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस है तो इट मीन्स कि उसके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल सेम हैं, राइट। तो व्हेन वी वांट टू स्पेसिफाई द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स वी यूज मोल्स, एंड व्हेन वी आर ओनली कंसीडरिंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अवर मास देन वी यूज किलोग्राम्स। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। थ्री स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ द नीडल विद द स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, राइट। और एंड द रिकॉर्ड्स आर, ये हमारे पास तीन वैल्यूज रिकॉर्ड आई हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट है, वो एग्जैक्ट है। अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें जो कि 1 मिलीमीटर है, राइट, सबसे पहले तो हम इस लीस्ट काउंट को या लीस्ट मिनिमम डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं इस मीटर्स में, क्योंकि हमारी तीनों वैल्यूज़ किस में हैं, मीटर्स में। तो अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.001 मीटर्स। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, 4। तो इसका मतलब है कि इन तीनों रीडिंग्स में से जो हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रहा है वही वैल्यू हमारे पास करेक्ट है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि 2.0.214 इज़ द करेक्ट रीडिंग, बिकॉज जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसकी भी लीस्ट काउंट के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, राइट। व्हाट एनालॉग स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज्ड इन द कंप्यूटेशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने इसमें अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा को रखते हुए इस तरह की स्टेटमेंट बनानी है। तो हमने एक्यूरेसी और उस चीज़ को पढ़ा, राइट। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिजल्ट्स को, अपने आंसर्स को कह सकते हैं कि रिज़ल्ट जो कि हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा से मिल रहा है कंप्यूटेशन के दौरान, वो उतना ही एक्यूरेट है जितना कि उसका लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। ये हमने लास्ट टाइम पता पढ़ा था जब मैंने आपको कहा था कि हम अपना फाइनल आंसर हमेशा उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देते हैं जितना हमारा लीस्ट काउंट होता है। तो सेम इज़ द केस हेयर कि हमने वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट भी उतना एक्यूरेट है जितनी हमें लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग मिली है वहाँ से। सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन। A result obtained from an experiment data used in the computation is only as accurate as its least accurate reading. Okay. Now, come to the question number 6. The period of a simple pendulum is measured by a stopwatch. Which type of errors are possible in the time period? तो हमने लास्ट टाइम भी दो ही एरर्स पढ़े हैं, एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरे होते हैं पर्सनल एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स हमने क्या पढ़े थे, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट, एंड द पर्सनल एरर ड्यू टू द ऑब्जर्वर और द फैकल्टी प्रोसीजर डैट इज़ फॉलोड बाई द ऑब्जर्वर, राइट। तो ये दोनों ही फॉल्ट पॉसिबल हैं, ये दोनों ही एरर्स पॉसिबल हैं। Now come to the point 1.7. Does dimensional analysis give any information on constant of proportionality that may appears in the algebraic expression?
तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम यही पढ़ा है कि जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है वो सिर्फ हमें उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जिस पे वो डिपेंड करती है. सो इट डज़ नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, राइट. जो कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. हम सिर्फ दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनको अप्लाई करके वहाँ से हम अपने आंसर्स को निकालते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. हमें पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है. और फोर्स का भी आप लोगों ने डायमेंशंस पहले पढ़ी थी, मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ. एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाय एरिया. तो अब लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ देम. मास की वैल्यू होती है के जी, सॉरी डायमेंशनली हमने बताना है ना, तो सॉरी एम ए डिवाइडेड बाय ए. सो इफ़ आई एम राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ पी, तो मास की डायमेंशन होती है एम, ए की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, ठीक है. तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है प्रेशर का वो आता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये लिखा है. नाउ कम टू द डायमेंशंस ऑफ द डेंसिटी. डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगेन डेंसिटी का जो डायमेंशन है, मास की तो होती है एम और लेंथ की क्या होती है एल क्यूब, सॉरी वॉल्यूम की क्या होती है एल क्यूब. तो डायमेंशन डेंसिटी की आ जाती है एम एल माइनस क्यूब, ठीक है. अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द वेव लेंथ लैम्डा ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द स्पीड वी ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एफ इक्वल्स टू वी लैम्डा और एफ इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा. तो हमें तीनों की डायमेंशन दी हुई हैं, लैम्डा की भी, वी की भी, एफ की भी. हमने इन दोनों इक्वेशंस में बारी बारी पुट करनी है और चेक करना है कि कौन सी वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, ठीक है. तो सबसे पहले तो f इक्वल्स टू वी लैम्डा पे पुट करते हैं. तो f की तो हमें पता है कि क्या डायमेंशन है, t माइनस वन थी, और v की हमें पता है एल टी माइनस वन, ये है ना हमारी इक्वेशन, और लैम्डा की भी हमारे पास एल होती है. तो आप यहाँ से देख सकती हैं ये एल स्क्वायर टी माइनस वन बन रहा है. तो इट्स मीन कि ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आ रही. सो दिस फार्मूला इज़ नॉट करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला, एफ इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा, ठीक है. तो इसमें भी एफ की वैल्यू होती है टी माइनस वन और v होता है एल टी माइनस वन और डिवाइडेड बाय एल. एल एल से कैंसिल आउट हो गए, वी ओनली लेफ्ट विद टी माइनस वन इक्वल्स टू टी माइनस वन, ठीक है. सो इट मीन्स दिस वन इज़ द करेक्ट वन, f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा. दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.